रविवार 11 जून से वाराणसी में G20 सम्मेलन का भव्य आगाज हो रहा है। सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रविवार सुबह दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता धूसिया के घर नाश्ता किया। इस दौरान पार्टी के अन्य नेता भी वहां मौजूद रहे और जमीन पर साथ बैठकर नाश्ते का आनंद लिया। वहीं विदेश मंत्री के घर पहुंचकर नाश्ता करने की खुशी सुजाता के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, रात से ही घर पर तैयारियां चल रही थी। कभी इस बात का भरोसा नहीं था कि उनके घर इतने बड़े शक्तिशाली हस्ती का आगमन होगा। बहुत अच्छा लगा, हमारे घर में आए, दूर विदेश मंत्री आए और खाना खाए, बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात है ना कि किसी छोटे लोगों के परिवार में कोई बड़ा रिच आए तो खुशी की बात होती है ना, तो अच्छा लगा। सुजाता ने विदेश मंत्री को क्या कुछ खिलाया इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। हम लोगों ने बाजरे का आटे का मतलब और मिला कचौड़ी और सत्तू की पूड़ी और में वो साग आलू और बैंगन की सब्जी और आलू परवल पनीर डाल के सब्जी और सेमई सलाद। हाँ, कह रहे थे अच्छा लगा, कह रहे बहुत अच्छा लगा। बता दें कि 11 से 13 जून के बीच G20 देशों का सम्मेलन वाराणसी में होगा। बैठक में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के 500 से ज्यादा डिप्लोमेट्स शामिल होंगे। बैठक से पहले ही शनिवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर वाराणसी पहुंचे थे। एस जयशंकर भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व करेंगे। वहीं 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस सम्मेलन में भाग लेंगे।